चलो चल यार हावी जल्दी चल मुझे दे। कोस्ता, तुम मुझे मिस करती हो कि नहीं? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। पिछले 10 साल में 9 बच्चे लापता हो गए हैं। आप लोग कर क्या रहे हैं? ओंकिन, अल्कोय, मकास्त्रे, ये सब 14-15 साल के हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी के केस से इसका कोई वास्ता नहीं है? मुझे नहीं मालूम मारियो, मेरी बात मानो। हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। पता है हर साल गर्मियां खत्म होने तक कितने लड़के लड़कियां भाग जाते हैं? मेरी बेटी भागी नहीं है। अच्छा, और ना ही उसके फ्रेंड्स भागे। ये तो हद है रमन, तुमने उसे बचपन से देखा है, तुम उसे अच्छे से जानते हो। जानता हूँ और मैं अपना काम भी जानता हूँ मारियो। देखो, इतने भीड़ भरे नाइट क्लब से 3 लड़कियों को किडनैप कर लेना आसान काम नहीं है। कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। लेकिन मारियो, मारियो रुको, आज मेरी छुट्टी है तो फिशिंग करने चलोगे क्या? हम छोटे बच्चे नहीं है कोस्ता। अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते कुछ करते हैं तुम्हारे जाने से पहले। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने घाट पर तैयार बोट्स देखी और हवा भी अच्छी चल रही थी तो सोचा फिशिंग कर लेती हूँ। तुम थकती नहीं हो क्या? जाओ थोड़ा आराम कर लो। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ए, सुन रहे हो? आखिर किसे ढूंढ रहे हो भाई? ए, कहां जा रहे हो? किसी ने कुछ खाना ऑर्डर किया है क्या? ए टकले, बहुत हो गया, फूट यहां से। मैं लेफ्टिनेंट जू, सेंट्रल ऑपरेटिव यूनिट से। आपको बताया जाना चाहिए था कि हम आ रहे हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं। अब तो पता चल गया। मैं सर्जेंट रेमन कोस्टा। टकला, मिस्टर शाकाल और उजड़ा चमन, जितनी जल्दी ये फालतू के मजाक बंद होंगे काम उतना ही जल्दी शुरू होगा। हमें 3 लापता लड़कियों को ढूंढना है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन था? किसने किया? किसने किया? ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। यहां क्यों खड़े हो तुम साहब? किसने किया? मैं पूछ रहा हूं, किसने किया ये? उसने। रुको, मैंने कहा बहुत हो गया, रुको। क्या कर रहे हो? चलो अभी ऑफिस में आओ। छोड़ो, छोड़ो उसको, छोड़ो।
छोड़ूंगा नहीं तुझे। चलो ऑफिस में। हेलो, क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? ओवर। हेलो, क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? ओवर। 3 महीने से मेरी बेटी एलमेंजोरा से लापता हो गई है। काले लंबे बाल, काली स्कर्ट और लाल टॉप पहना था उसने। कोई सुन रहा है तो जवाब दे। ओवर। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। आखिरी बार उन्हें पराइसो नाइट क्लब में देखा गया था। अगर किसी को कुछ भी मालूम हो तो प्लीज सिविल गार्ड से कॉन्टेक्ट करें। ओवर। सब ध्यान से सुनो, आलू में एक तरफ कॉपर वायर और मैग्नेट लगाएं और दूसरी वायर आलू के दूसरे छोर पर लगाएं। तो सवाल ये है कि आलू बिजली क्यों पैदा करता है? मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा कर सकते हो। कौन जवाब देगा? कोशिश करो। यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें क्या हो गया है होसे? क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा बेहुदा मजाक तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? जवाब दो मुझे। कोई बात नहीं, तुम कार ले आओ, इससे मैं बात करता हूं। किसी को बताना मत तुमने अच्छा मजाक किया था। सच कह रहा हूं, मजा आ गया। तू कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन तेरी मां बहुत परेशान होती है, समझा? चल अब जल्दी उठ, चल ना। क्या कोई सुन पा रहा है? 3 महीने पहले मेरी बेटी एलमेंजोरा से लापता हो गई है। ओवर। उसका नाम सैंड्रा है और बंद जगहों पर उसका दम घुटता है, उमस वाली जगहों पर भी। उसे अंधेरा पसंद नहीं है। हेलो चार्ली, मैं मैकस्टर स्टेशन से बोल रहा हूँ। कॉनर, तुम सुन रहे हो? हाँ, मैं कॉनर बोल रहा हूँ। कॉपी, ओवर। मैंने 1 हफ्ते पहले तुम्हारी कॉल सुनी थी। मैं वापस तुम्हारी कॉल करने का इंतजार कर रहा था। मेरा बेटा भी गायब हो गया है यहाँ मैकस्टर से, तुम्हारे घर से 2 घंटे दूर। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड और फ्रेंड थी, लेकिन मिलकर आमने सामने बात करना ज्यादा अच्छा होगा। चार्ली, मैंने सुना, मैं आ रहा हूँ। मैं एक सेलर हूँ, इसीलिए मेरे पास रेडियो ट्रांसमीटर है। फिशिंग करने जाता हूँ तो इसी से बच्चों से बात करता हूँ। अच्छा, मैंने ये अपने बेटे के गायब होने के बाद खरीदा। उसे गायब हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। अक्टूबर में वो टाउन में घूमने के लिए गए थे और उसके बाद वो दोबारा नहीं दिखे। तो उसके बाद उन्होंने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया? सबसे बुरा यही है, उसके लिए फूल रखने या फिर दुआ करने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं, लेकिन उसकी मॉम को यह अच्छा लगता। खैर, अब क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिन पहले वो भी छोड़कर चली गई कैंसर से। यही सब बात है। अच्छा, और इस बारे में पूछने पर पुलिस ने आपसे क्या कहा? उनके पास भी तो कोई कहानी होगी। मेरे सबूत निकालते ही उन सब की फटके हाथ में आ जाएगी। तुमने उन्हें बताया तो नहीं कि तुम यहां आए हो? वो साले बहन के टके सबके सब मिले हुए हैं इसमें, वो और बाकी सब भी। वो बाकी सब लोग कौन थे? सरकार और कौन, मिलिट्री और खुफिया विभाग वाले भी। वो तो सबसे हरामी है। मेरे पूरे घर में माइक्रोफोन लगा रखा है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, यही रुको। देखना है ना कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ है यार? ये तो हद है साला, यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है।
हैप्पी बर्थडे। ये क्या है? खोलकर देखो, तुम्हारी फेवरेट फिल्म है ना, पता है 2 महीने में इसका सीक्वल आ जाएगा। वैलेंसिया में? यहाँ पर नहीं लगेगी? अच्छा तो मेरे साथ आ जाना, मैं टिकट खरीद दूंगी। कब जाओगी आप? मंडे या फिर शायद ट्यूसडे, अभी श्योर नहीं हूँ। तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? आपको यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता ये नई जॉब और भी बेहतर होगी, समझ रहे हो ना? थैंक यू। हावी रुको, हावी, हावी। और क्या कहना चाहती हैं आप? जाइए, चली जाइए, क्या फर्क पड़ता है? हावी इधर आओ, कोई बात नहीं, सब ठीक है। मुझे देखो, वो आ जाएगी, वादा है मेरा, वो आएगी। गिलप्रेस, कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? हेलो, अरे नहीं, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना बिया? शक्कर? क्या? मुझे शक्कर चाहिए। तुम यहां क्या कर रहे हो? I'm sorry, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। तू भी उनमें से एक है। बता मेरा बेटा कहाँ है? देखिए, मैं भी एक बाप हूँ। मैंने अपनी बेटी के बारे में आपको सब कुछ बताया। बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना गोली मार दूंगा, कसम से गोली मार दूंगा। बता जल्दी। नहीं,
सोचना भी मत। मुझे नहीं पता था तुम्हें डायबिटीज है। सिर्फ ओलिविया जानती है और बेशक मेरे डैड जानते हैं। तुम इसे छुपाती क्यों हो? ये कोई बुरी चीज नहीं है। बताने से लगेगा मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। जानता हूँ, तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो। मेरे डैड का बस चले तो मुझे घर में कैद करके रखे और बूढ़ी होने तक निकलने ना दे। क्या इसीलिए लड़ रही थी? नहीं, तुम्हारे लिए बहस कर रही थी। मैंने पार्टी के दिन पराइसो क्लब के पीछे कुछ देखा था। हाँ? क्या देखा था तुमने? पता नहीं, कुछ चमक रहा था, जैसे कोई जलती हुई सिगरेट। तुमने चट्टान पर किसी को सिगरेट पीता देखा? पता नहीं, हो सकता है वो बिल्ली या किसी जानवर की चमकती आंख हो। मेरे डैड पुलिस को बताने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई होगा तो उसने मुझे भी देखा होगा। शायद सही कह रहे हैं, तुम्हें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हावी, तीन लड़कियां गायब हो चुकी हैं। ये फोर स्ट्रोक है, ऑटोमैटिक है और इसमें स्पोर्ट सस्पेंशन भी है यार, और ये 20 की स्पीड से चल सकती है। बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम चलोगे या नहीं? आया, हम पराइसो नहीं जा सकते, अंदर जाना मना है। तुम्हारा दिमाग खराब है? किसने कहा हम अंदर जाएंगे? तुम्हारे पास रस्सी है? चलो चलो चलो, जल्दी खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। अकेला छोड़ दो अपनी बहन को, तुम बोलो उसको। अभी बेटा, तुम डिनर करके जाना। नहीं रुक पाऊंगा, डैड इंतजार कर रहे हैं। आज इसका बर्थडे है मॉम। हाँ, बर्थडे है तो थोड़ा सा केक खा कर जाओ तुम। तो तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? बेटा वो इधर देना, कभी भरोसा तोड़ा है मैंने। तो खाना कब खाएंगे हम? ये लो हीरो, इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट, कल मिलते हैं। चलो मिलते हैं, फिर मिलते हैं। अच्छा बच्चा है। ये लो, तुम लोग भी खाओ। ये मेरी टेबल तुम्हारी आड़ी तिरछी लाइनों से भर गई है, ये देखो, पकड़ो। ये आड़ी तिरछी लाइन नहीं है डैड, आर्ट है। ऑस्कर जीतूंगा तो आपका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। डैड, हेलो सेंड्रा, सरप्राइज डैड, तुम यहाँ कैसे? मारियो, हैप्पी बर्थडे, व्हाट अ सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट कौन लाया? मैं। ये लो, हैप्पी बर्थडे। अच्छा लगा? वैसे अगर तुम इसे पढ़ चुके हो तो वापस कर सकते हैं, या कुछ और चाहिए? टाडा, गेम बॉय डैड। ये तो बहुत महंगा पड़ा होगा। चलो हावी, कैंडल्स बुझाओ इससे पहले कि डैड रोने लगे। कोई विश मांगो।
उसने कहा उसके पास पुलिस और खुफिया विभाग के खिलाफ सबूत हैं। पहले मुझे लगा मेरी बेटी के केस के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है, लेकिन फिर पता चला कि वो तो पागल हो गया। वो शांत हो जाए तो एक बार फिर उससे बात करते हैं, हो सकता है कि उसकी बात में कुछ सच्चाई हो। शायद तुम्हें कोई मारना चाहता हो। मुझे नहीं। कमांडर रोका के बारे में क्या ख्याल है? उसके बारे में किसने बताया? देखिए रोका इतना भी बुरा आदमी नहीं है, मेरी बेटी की उम्र की उसकी भी एक बेटी है। कुछ दिन पहले हमने एक बंदे को पकड़ा, उसके गार्डन में 13 बच्चे गड़े हुए थे। जैसे जैसे हम बॉडीज निकालते गए हमारा ख्याल बदलता गया, वो शैतान है। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? नहीं। मैं एक आदमी हूं इसलिए मेरे अंदर हर तरह के शैतान भरे पड़े हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, जान बचाने के लिए शुक्रिया। यहां से लगभग 50 मीटर गहराई होगी। ओए क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? यार ये थोड़ा डरावना है। ए! अरे फट रही है इसकी। यार ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच कहूं तो वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। अरे यार तू तो बहुत भारी है, क्या खाती है? मेरी हेल्प करो। ये तो मेरी बहन का है। ओए! तुम श्योर हो आवी? ये चट्टानों के बीच मिला मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहन का बैच है। आप समझ नहीं रहे हैं। मेरी बहन का बैच है। हम सच कह रहे हैं। मेरी बहन का विश्वास कीजिए। मैं आपसे सच कह रहा हूँ। विश्वास कीजिए मेरा। एक करके बोलो, हावी। ये हमें पराइसो के पास वाली चट्टान से मिला है। ये मेरी बहन का है। गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट। क्या तुम नीचे गए थे? पागल हो गए हो क्या तुम? सिविल गार्ड पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो। नहीं अभी तक कुछ पता नहीं चला। ओके पक्का पक्का। इसे तुमने खो दिया था ना? बढ़िया ठीक है। नहीं शुक्रिया, बाद में बात करते। देखा तूने, मुझे लगा वो मुझे मारने वाला है। अच्छा ये बताओ इस तरह के और कितने बैजेस हैं? सर ये एक ही है और ये उसके पास था। मैं भी उसे ढूंढ निकालना चाहता हूँ हावी, इसलिए जरूरी है कि तुम लोग हमारा टाइम बर्बाद मत करो, समझे? और ये जासूसी खेल बंद करो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रास्ता भटक गए हो? क्या कहा? इतने सारे बर्ड्स, 100-200 तो रहे होंगे, आसमान में चारों तरफ उड़ रहे थे। कोस्टा मैंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। जब इस तरह के जीव किनारे के पास आते हैं तो सीगल्स पागल हो जाते हैं। क्या मतलब किस तरह के जीव? टूना या उस तरह की कोई मछली है क्या? व्हेल्स, शार्क्स, शिकारी जानवर।
वैसे बताओगे हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? वो किताब जिसमें गांव के बारे में सब कुछ लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर परायसों के नीचे है क्या। उसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था? मेरे ख्याल से 1800 में बना था, एक आध साल आगे या पीछे। शायद पायरेट्स के दौर में कुछ मिले। समंदर के किनारे स्मगलर्स की बहुत सी गुफाएं हैं, मुझे मेरे दादाजी ने ये बचपन में बताया था। अच्छा, तुम्हारे दादाजी जिन्हें अल्जाइमर था। कुछ मिला मुझे क्या? इसके हिसाब से टाउन हॉल कभी एक हॉस्पिटल हुआ करता था और हाउस ऑफ कल्चर एक मिलिट्री कैंप था। और शहर के बाहर जो स्पा है वो लेपर हॉस्पिटल था। ये जगह सच में कमाल की है। मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ बर्ड वॉचिंग के लिए ले गए थे। ये रहा पराइसो, इसमें लिखा है 19th सेंचुरी में एक टेक्सटाइल टाइकून इसका मालिक था। क्या इसमें किसी और के बारे में भी जानकारी है? नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, यूके की पुलिस ने अलमंजोरा की गुमशुदा लड़कियों के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। हम सीधे अपने लंदन के संवाददाता के पास चलते हैं। इसके बारे में आपके पास क्या खबर है? पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है और हमारे हाथ एक पुख्ता खबर लगी है जो मैं सीधे आपके पास लेकर आई हूँ। उन लड़कियों को देखा गया है, वो लड़कियाँ जिंदा है और यही हम आज आपको बताने वाले है कि असल में हुआ क्या है। पुलिस का कहना है कि उन्हें एक गवाह ने बताया कि उसने उन तीन लड़कियों को वेक्सफोर्ड आयरलैंड में ट्रेन से उतरते देखा है। यूरोपोल उनकी तलाश में जुट गई है। ये अलमंजोरा की गुमशुदा लड़कियों के बारे में पहली, मगर मुझे पता था वो ठीक होगी। खबरें तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये अच्छी खबर है यार, इसका मतलब वो जिंदा है। हल्की गर्माहट होगी, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो भाई? कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, इसीलिए आप सबसे गुजारिश है हावी रुको, अपना छाता अवश्य रखें। मेरी बहन इस तरह घर से जा ही नहीं सकती। ऐसा होता तो कम से कम वो हमें एक बार कॉल करके अपनी खबर तो देती। लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी वजह से बताया हो। ये भी हो सकता है कि पुलिस गलत हो। लेकिन अगर पुलिस कर रही है तो वो सब चेक करके करते हैं। यार तुम तो मानना ही नहीं चाहते। नहीं, कोई ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे? शायद मैं उसे नहीं जानता, हो सकता है वो मुझसे बहुत सी बातें छुपाती है, लेकिन वो इतनी बेरहम भी नहीं है कि बिना कुछ बताए मौज मस्ती करने चली जाए। क्योंकि इसका ये मतलब होगा कि वो मुझे और डैड को प्यार नहीं करती। तुम लोग मत मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है ये सच नहीं है। नहीं हो रहा है। तुम फिर मुझे छोड़ रही हो। और अब मैं सैंड्रा मेरिनो आप सबके सामने लेकर आ रही हूँ अब तक के सबसे बढ़िया गानों का एक नॉन म्यूजिकल वर्जन। नहीं बेवकूफ, क्रूज दिन आवाज सबसे बढ़िया गाना है, बड़े बड़े सिंगर्स भी कहते हैं। भी बहस करूंगी, जो वो गाना चाहती है उसे गाने दो। तुम जानती नहीं हो क्या? ओके शुरू करें। ओ मजा आ रहा है यार, मजाक मत करो, ठीक से गाओ यार। मैंने कहा मजाक में मत लो। ओके सॉरी। ओके ठीक से गाएंगे पक्का। Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedar.
se calvó de tanto recordar. Sé algo que soy yo mismo. Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. Me yo bata raha hu, wo samajh nahi aa raha. निकलो। क्या क्या हुआ मारियो? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी भागी नहीं है। ये उसका फेवरेट बैंड है। ये तो सभी का फेवरेट बैंड है। हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ी फैन है, एकदम दीवानी है। अपने फेवरेट बैंड के कॉन्सर्ट को छोड़कर दो हफ्ते पहले कौन भागता है? हाँ, ये तो नामुमकिन है। हाँ, मैंने चट्टान पर कुछ सुना था। पराइसो के पास? हाँ, वो जैसे किसी जानवर की आवाज हो। वो दीवार के पास के पत्थरों के बीच से आई थी। मुझे लगता है पराइसों के नीचे कुछ तो है। हमें वहां फिर से जाकर देखना चाहिए। जानती हूँ यकीन करना मुझे मुश्किल है। प्यार है, मेरा मतलब तुम पर यकीन है। हाँ। हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। टॉर्च ले लेते हैं, शू बॉक्स में यहीं कहीं रखी होगी, देख लेना। ना मिले तो कोई बात नहीं, दुकानें अभी भी खुली होंगी। नहीं नहीं, हमारे पास है, एक है ये रही शायद। हावी! लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। शिट, ये मेरी बहन की मोटर बाइक है। ये तुमने क्या कर दिया हावी? तुम हमेशा नुकसान करने पर ही क्यों तुले रहते हो? सॉरी डैड, मैं। चुप करो और दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप बहुत घटिया हो।
प्रिया कार में बैठो। डैड मुझे ये काम करने दीजिए, मैं दो घंटे में आ जाऊंगी, कसम खाती हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने कहा छोड़ दीजिए उसे, उसे छोड़ दो, छोड़िए मुझे। चलो कार में बैठो, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं बैठो। नहीं मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की या उसकी फैमिली के आसपास भी भटको। कौन है वहां? यहां क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमें बुलाया था, वो कभी आराम करती है या नहीं? काश करती, लेकिन बिया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं ठीक हूं, तुम लोग घर जाओ। हावी तुम अपनी बहन को अच्छे से जानते हो, अगर तुम्हें लगता है पुलिस गलत है तो वो गलत है। हम ही बेवकूफ थे जो नहीं मान रहे थे। बेवकूफ है या नहीं, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, इसका मतलब हमें एक साथ रहना पड़ेगा। और जहां एक जाएगा वहां हम सब जाएंगे। नहीं इस बार नहीं, मैं कानून तोड़ने जा रहा हूँ, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। हम नाबालिग हैं, हमें जेल थोड़ी हो सकती है। ओके आओ मेरी हेल्प करो, इस तरफ आराम से। काफी शानदार है। यही आसपास कहीं एक स्विच होगा। अरे अब मजाक मत करो, डर लगता है मुझे। हावी क्वीनो, अबे तुम लोग एक नंबर के चूतिया इंसान हो। दोस्तों मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक भी प्ले कर सकता हूँ। ओ तेरी, The Cardigans, Faith। अरे छोड़े से, अपना काम करते हैं। एक मिनट रुक जरा, सलाम करो। लेकिन खुद को ओबीके कौन कहता है यार? ये ओबरकॉन का शॉर्ट फॉर्म है यार, द पैच मोड एल्बम का सॉन्ग है। चल लगा इसे। Siento de verdad promesas sin realizar.
अबे रुक साले, भागना मत। क्या कर रहे हो? आखिर तुझे पकड़ ही। चल माफी मांग। हावी, या तेरी सबान काट कर बाहर निकाल दूं? चल छोड़ उसे, छोड़ उसे साले। क्या कर रहे है? चल जल्दी माफी मांग। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि दर्द क्या होता है साले। नहीं, बचाओ हावी। मैं कचुमर बना दूंगा हराम खोर। साले मेरी कंप्लेंट कर रहे हो? तुम ठीक हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। मेरी बहन लापता है, मेरे दर्द का एहसास है तुम्हें, लेकिन तुम्हें इससे क्या? चलो आओ, मुझे कुछ मिला है, इस तरफ है वो। इस तरफ उस संदूक में। ये कैसी आवाज आ रही है? तुम्हें आना है तो कोई गड़बड़ मत करना। ये कैसी आवाज? जल्दी से हटाओ, इसके नीचे कुछ तो है। क्या कर रहे हो? सच कह रहा हूं। कुछ दिख नहीं रहा। अल, ये लो। मुझे दो। क्या तुम इसी खुफिया गुफा की बात कर रहे थे? अगर ये मजाक निकला तो मैं तुम तीनों की बैंड बजा दूंगा। क्या दिखाई दे रहा है?
हेलो ज्यादा देर मत लगाना भाई यहाँ क्या हो रहा है मेरी तो समझ के बाहर है यार मुझे पता था वो उसे इधर से ले गए थे जबरदस्ती ले गए थे मुझे लगता है तुम सही थे खून है क्या नहीं यार ये क्या हो गया आग लग गई आग दोस्तों आग लग गई जल्दी निकलो आग लग गई भागो भागो जल्दी चलो यहां से जल्दी चलो ये मेरे तार छूने की वजह से तो नहीं हुआ दरवाजे की तरफ चलो दरवाजे की तरफ इस तरफ टनल के पीछे से भागो तेज भागो जल्दी करो टॉयलेट में चलो वहां टाइजर पानी है और शायद वहां एक खिड़की भी होगी दोस्तों क्या तुम सब ठीक हो हाँ शायद अलवारो कहाँ है वो फट्टू पक्का भाग गया होगा शायद वो बाहर मदद लाने गया है जल गया नहीं यार ये क्या हो गया
ओ तेरी। यहाँ कोई नहीं है। गाइस, देखो क्या हो गया मुझसे। मैं यहाँ नहीं था, ठीक है? अपना मुंह मत खोलना। हेलो कॉस्टा, टाइम क्या हुआ है? हमें सबको बताना होगा। हे कॉस्टा, कॉस्टा आपको पता है, हमें एक टनल मिला और वो उसी में से सैंड्रा को ले गए थे। नहीं हो सकता, हम मर गए क्या? ये सब गलत है।
हेलो मिस्टर गिल पेरिस। मुझे पता था तुम उनमें से एक हो। मैं तुरंत समझ गया था साले हरामजादे कुत्ते। मुड़ना मत वरना मैं ठोक दूंगा। मैं सच कह रहा हूं तुझे ठोक दूंगा। मुड़ना मत कुत्ते। मैंने बोला था गोली मार दूंगा हरामजादे। मैंने बोला था। क्या बोला था? मत मुड़ बहन के टके साले हरामजादे। बोला था ना तुझे? मैंने क्या कहा था कुत्ते?